हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट पाव भाजी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट पाव भाजी, जो सबको पसंद है, हर कोई शौक से खाता है। और जब हम जुहू चौपाटी पे जाते हैं तो खासकर यही मंगा के खाते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है मेरे घर में सबको, तो आप भी सीखिए। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर हम इसे घर में बनाते हैं तो बच्चे पेट भर के खाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत महंगी होती है ये भाजी। यहाँ पर हमने सब्जियाँ ली है और इसे धोकर काटे हैं, इनके नाम मैंने ऊपर लिख दी हूँ। अब हम इसे कुकर में उबालने के लिए रखेंगे। देखिए, तमाम सब्जियों को मैंने कुकर में डाल दी हूँ। अब हम इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और कुकर की 4-5 सीटी होने तक इसे पकाएंगे। देखिए, अब कुकर अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब हम इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं तमाम सब्जी अच्छी तरह पक गई है। अब हम इसे स्मैशर से स्मैश करेंगे, यानी अच्छी तरह इसे दबा दबा के बारीक कर देंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से दब रही है, क्योंकि 4-5 सीटी हमने लिए थे। तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक गई है। देखिए, हम कंटिन्यू इसे स्मैश कर रहे हैं। 10 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच बटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह पिघलने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। देखिए, अब इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। बहुत ही आसान भाजी है, बहुत ही झटपट बन जाती है, मगर थोड़ा वक्त लगता है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए ऑनियन। 2 मैंने अच्छी तरह बारीक कट करके ली हूँ। इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। देखिए, हमारे ऑनियन यानी प्याज अच्छी तरह गुलाबी हो रहे हैं। 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, गैस का फ्लेम फास्ट है। और देखिए, हमारे प्याज अच्छी तरह गुलाबी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पेस्ट। जी हाँ, हमने यहाँ पे कश्मीरी मिर्ची पीस के लिए हैं। 3 टमाटर की प्यूरी की है मिक्सर जार में अच्छी तरह बारीक पीस के। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आया है, मगर अभी एक चीज़ बाकी है जिससे हमारा कलर पूरा दुकान की तरह हो जाएगा। देखिए, हम इसमें कश्मीरी मिर्ची मिला रहे हैं 2 चम्मच। इससे हमारा देखिए कलर बहुत ही खूबसूरत आया है और बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी तक हमने पूरा प्रोसेस किए नहीं है। अच्छी तरह पकने देंगे हम इसे। देखिए, अच्छी तरह पक रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग पाउडर। जी हाँ, हींग डालने से गैस नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमाम सब्जियां है और बटाटे भी है, तो गैस होगा। इसके लिए हम पहले से ही उसे ना होने की तैयारी कर देंगे। तो हींग पाउडर आप याद से डालिए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें 1 1/2 चम्मच यानी 1.5 चम्मच नमक, क्योंकि सब्ज़ी में हमने नमक नहीं डाले थे, तो तमाम नमक हम एक ही बार डालेंगे। आप याद से अपने हिसाब से डालिएगा। अब हम इसे ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 टेबल स्पून। देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल के चेक करेंगे, तमाम पानी जो डाले थे वो सूख गया है और तेल सेपरेट हो गया है और हमारी भाजी अभी तक पड़ी नहीं है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हरे बटाने। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी हरे बटाने ली हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
भाजी में नहीं डाले थे हमने, क्योंकि ये आसानी से गल जाते हैं। इसे हम कंटिन्यू मसाले में भूनते रहेंगे ताकि ये जल्दी गल जाए। देखिए 10 मिनट होने को आए हैं। अब हम डालेंगे इसमें हमारी पाव भाजी, यानी तमाम बॉईल की हुई भाजी जिसे हमने स्मैश किए थे। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते रहेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कश्मीरी पाउडर का बहुत ही अच्छा कलर आया है। अगर आपकी पाव भाजी में ऐसा कलर नहीं आया है तो आप थोड़ा सा 2-3 चुटकी फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए हम मिला रहे हैं ताकि तमाम मसाले हमारी भाजी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और प्लीज़ दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को देख नहीं रहे हैं और ना ही व्यू आ रहे हैं मुझे, और ना ही आप मुझे कमेंट करके कुछ बताते हैं। क्या बात है, अल्लाह ही जानते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कभी ना कभी मेरी कोई ना कोई अदा पसंद आएगी। हमने इसमें कुकर धो के थोड़ा सा पानी था, आधा कप के हिसाब से वो डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पाव भाजी मसाला। जी हाँ, असली मसाला यही होता है पाव भाजी में। हमने इसमें बस यही मसाला डाल के बनाए हैं। अब हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए 15 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं तमाम भाजी अच्छी तरह पक गई है, छींटे उड़ रहे हैं, पानी भी सूख गया है। तो आप अभी डालेंगे 1 नींबू का रस। देखिए आधा आधा किए थे मैंने इसके 2 टुकड़े। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके हरा धनिया डालेंगे और मस्के का टुकड़ा डाल लेंगे। अब हमारी भाजी रेडी है। यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन लिए हैं मस्के का टुकड़ा डाल के। अब इसमें थोड़ी सी भाजी डालेंगे 2 टेबल स्पून के हिसाब से। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम पाव भाजी के लिए पाव रेडी कर रहे हैं। देखिए हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो हम जू चौपाटी पर खाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पाव डाल दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह फास्ट फ्लेम पे फ्राई करेंगे हम। आप देख सकते हैं, अब मैं इसे पलट के दिखाती हूँ आपको। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है, देखते ही आप पहचान जाएंगे। देखिए जिस तरह हम होटल में खाते हैं तो उन लोग भी हमें इसी तरह तवे में पाव फ्राई करके देते हैं। हमारे दोनों पाव रेडी है पाव भाजी के साथ खाने के लिए। अब मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है हम होटल में खा रहे हैं। मैं भी आपको भाजी दिखा रही हूँ कि किस तरह हमारी भाजी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सेम वही है, फ्लेवर भी वही है, और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है, एकदम मस्त बनी है हमारी भाजी। और आप देखिए हम हरे धनिया से इसे सजाएंगे। अब इसमें डालेंगे मस्के का पीस, इसे इसमें डाल लेंगे। अब आप देखिए मैं आपको एक बाइट खा के दिखा रही हूँ। नहीं, मैं आपको खिलाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मुँह खोलिए। तो आप भाजी खाना चाहेंगे तो भाजी खाइए। अब हमारी पाव भाजी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरा ये पाव भाजी बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी पाव भाजी कैसी बनी। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।